हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव की। जहाँ महाराष्ट्र में सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में AIMM बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव में चारों तरफ अगर इस बार चर्चा में है तो वो है AIMM पार्टी। महाराष्ट्र के जनता, महाराष्ट्र के वोटर्स भी कह रहे हैं कि इस बार ओवैसी साहब की पार्टी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी। मैं आपको बता दूं, जहां पे आप देखते हैं जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोग बगावती तेवर दिखाते हैं, वहीं पे कुछ लोग सच्चे और अच्छे ईमानदार बन के भी रहते हैं और अपना जलवा बरकरार रखते हैं। पार्टी को धोखा देकर चले जाते हैं उसकी बातें तो बहुत हो गई, लेकिन जो सच्चे सिपाही है आज मैं उसकी बात करूंगा, समीर साजिद साहब की। 2014 से समीर साहब मजबूती के साथ एक सच्चे सिपाही बनकर AIMM के साथ है। 2014 में बहुत मजबूती के साथ उन्होंने मेहनत किया, घर घर जाके लोगों को बताया। उस समय भी बहुत उम्मीद थी इनको कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। 2019 की जब बात आई, 19 में भी बहुत इस बार लगा इनको कि कन्फर्म इस बार तो टिकट मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन 19 में भी टिकट इनको नहीं मिला। फाइनली अब जब 2024 की चुनाव है, इस बार भी उनको लगा था कि नहीं इस बार तो टिकट मिलेगा ही, कंफर्म है, या तो औरंगाबाद सेंट्रल से मिलेगा नहीं तो औरंगाबाद ईस्ट से मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश आप देखिए इस बार भी इनको टिकट नहीं मिला। मैं इनकी बात बता रहा हूँ, तकलीफ तो हुआ, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपना पोस्ट शेयर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टी को छोड़कर नहीं गए और अंत तक इन्होंने बता दिया मैं AIMM के सच्चा सिपाही कल भी था, आज भी और हमेशा रहूंगा। लेकिन किसी कारणवश इम्तियाज जलील साहब को उतारना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों में इम्तियाज जलील साहब के प्रति बहुत ज्यादा क्रेज था, इसीलिए औरंगाबाद ईस्ट से उनको विधानसभा की टिकट देना पड़ा। फाइनली अब मैं औरंगाबाद सेंट्रल की बात करूं तो वहां पे नासिर सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत ज्यादा पकड़ था, बहुत मजबूती थी, वहां के लोगों का डिमांड था, इसीलिए नासिर सिद्दीकी साहब को औरंगाबाद सेंट्रल से टिकट दिया गया। थोड़ा सा मन इनका दुखी हुआ, लेकिन ये नहीं कि ये बगावती तेवर दिखाए, ऐसा नहीं किए ये। और आपने देखा भी होगा कि जैसे पर्चा दाखिल करने के लिए इम्तियाज जलील साहब जाते तो उनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलते हैं साथ में, और अभी चुनाव प्रचार की भी बात, इम्तियाज जलील साहब के लिए घर घर घूमते हैं, क्योंकि इनको मालूम है हमारे देश के लिए, हमारे विधानसभा के लिए ये बहुत ही अच्छे नेता है और ईमानदार और साफ सुथरी नेता है। इसीलिए अगर कोई सदन में आवाज उठा सकता है सबसे मजबूती के साथ तो वह है इम्तियाज जलील साहब, इसीलिए उनके उनके साथ ये कंधे में कंधे मिलाकर उनका साथ दे रहा है। इम्तियाज जलील साहब खुद इनके घर पे गए। इम्तियाज जलील साहब इतने अच्छे नेता कि उन्होंने ओवैसी साहब को कहा कि समीर साजिद साहब को ही टिकट दे दिया जाए, लेकिन ओवैसी साहब ने कहा कि नहीं आप लड़िए, क्योंकि लोगों का जो सर्वे कराया था तो वहाँ पे लोगों का डिमांड था कि इम्तियाज जलील साहब को लड़ाया जाए। तो जब ओवैसी साहब ने साफ साफ कह दिया कि इम्तियाज जलील साहब को ही लड़ना है, तो फाइनली आप जानते ही कि उनका बात तो कोई नहीं काट सकता है। जैसे ही इम्तियाज जलील साहब का औरंगाबाद ईस्ट से टिकट घोषित होता है, यही काम समीर साजिद साहब कर भी रहे हैं। तो ये हुआ एक सच्चा सिपाही। जी हाँ, ना कि आपने देखा कि जैसे औरंगाबाद ईस्ट से दो दो बार जबकि टिकट मिला उसको, गफार कादरी साहब को 2014 में भी टिकट मिला था प्लस 2019 में भी टिकट मिला था, नहीं जीते और हार गए, तो इसीलिए वहां पे लो का डिमांड था प्लस ओवैसी साहब ने टिकट भी चेंज किया, औरंगाबाद ईस्ट से फाइनली इम्तियाज जलील साहब को उतारा। उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगा कि मैं 80,000 वोट लाया तो मुझे टिकट नहीं दिया और इम्तियाज जलील साहब को टिकट दे दिया है। फाइनली वो पार्टी छोड़ते हैं, समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। तो उस तरह गद्दारी नहीं किए, उस तरह पार्टी को धोखा देकर नहीं गए। जी हाँ, इसी तरह मैं आज एक सच्चे सिपाही की बात की हूँ, क्योंकि धोखा देने वाले की बात तो बहुत होती है, लेकिन एक सच्चा सिपाही है। कहीं ना कहीं अगर समीर साजिद साहब जैसे अगर नेता हो जाए तो वाकई में हमारे विधानसभा की, हमारे लोकसभा की और हमारे देश की कायाकल्प बदल जाएगी। जी हाँ, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक और प्लीज एक शेयर समीर साजिद साहब के लिए प्लीज आप लोगों तो बनता ही है। जो भी AIMM के जो कार्यकर्ता है इनसे सीखे
और वो भी ईमानदारी से मजबूती से लड़े रहे तो आज नहीं कल, क्योंकि समीर साहब को भी पता है कि ईमानदारिता बहुत ज़रूरी है और ये अपना एक फेस वैल्यू बना रहे हैं, और जब फेस वैल्यू बन जाएगा तो आगे आज नहीं कल तो टिकट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। तो सच्चा सिपाही बनकर रहने से सामने वाले की नज़र में आप ऊपर हो जाते हैं और लगता है कि नहीं, ये बंदा बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, बहुत दिनों से हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर चल रहा है, तो सामने वाले को मजबूरन टिकट देना पड़ता है। इस पे समीर सादिक साहब बहुत ही अच्छे ढंग से खड़ा उतरते हैं। और जो भी आप मुझे और टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और एक शेयर प्लीज समीर सादिक साहब के लिए। विशेष आप लोगों का समीर सादिक साहब पे क्या कमेंट राय विचार है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।